हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। आज हम बनाएंगे मैक्रम का मोबाइल एंड की होल्डर। इसे बनाने के लिए मैंने दो कलर का मैक्रम लिया, वाइट एंड रेड कलर का। दो कलर का विड्स लिया है, यह स्क्वायर मोती है दो कलर का, येलो एंड स्काई ब्लू। दो रिंग लिया है 4 इंच का एंड 1 पीस 2 इंच का। लाइटर, सीजर, ब्लू कलर का वेल्स यूज किया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम 2 इंच वाले रिंग में कॉर्ड को ऐड करेंगे। तो 8 कॉर्ड हमने लिया है 4 मीटर का, 4 व्हाइट एंड 4 रेड कलर का। इसे हम इस तरह से रिंग में ऐड कर लेंगे। ये बहुत ही इजी सा डिजाइन है, आप इसे जरूर ट्राई करें। तो बीच में हमने 4 कॉर्ड ऐड कर लिया व्हाइट, साइड में हमें रेड कॉर्ड ऐड करना है। इस तरह हम कॉर्ड को ऐड कर लेंगे। अब हम मोती ऐड करेंगे। तो बीच के 2 धागे को लेकर के इसमें एक मोती ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें नॉट लगा लेंगे। इस तरह हम सारे कॉर्ड में मोती को ऐड कर लेंगे। इस तरह हम सारे कॉर्ड में मोती ऐड कर लेंगे। अब हम साइड के रेड कॉर्ड में नॉट लगाते हुए डिजाइन को पूरा करेंगे। इस तरह हमें 8 नॉट लगा करके डिजाइन को पूरा करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नॉट हमने लगा लिया। अब नेक्स्ट साइड भी हमें 8 नॉट लगा लेना है। इस तरह हम दोनों साइड का डिजाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बीच का डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें 2 कॉर्ड में, फर्स्ट वाले 2 कॉर्ड में मोती ऐड कर लेंगे। अब साइड वाले कॉर्ड से हम एक नॉट लगा लेंगे।
अब ये जो हमने नॉट लगाया था इस वाले कॉर्ड में मोती ऐड कर लेंगे। ये दो धागों को लेकर, एक नॉट वाले धागा और एक साइड वाले धागे को लेकर के मोती ऐड कर लेंगे और उसमें भी हम एक नॉट लगा लेंगे। नेक्स्ट साइड भी हम इसी तरह से डिजाइन बनाएंगे। अब हम दोनों साइड के नॉट वाले कॉर्ड में हम एक मोती ऐड करके नॉट लगा लेंगे। इस तरह हम डिजाइन को कंप्लीट करके पूरा कर लेंगे। अब हम इस तरह से डिजाइन को बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो वन साइड हमने डिजाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट साइड हमें इसी तरह से डिजाइन बनाना, नॉट लगाना है सिर्फ, सिंपल बेसिक नॉट। तो हमने ऊपर का एट नॉट लगाया था, नीचे में हमें 16 नॉट लगाने हैं। तो इस तरह से फोर कॉर्ड को लेकर के इसमें हम नॉट लगा लेंगे। इस तरह से हमें डिजाइन को पूरा करना है नॉट लगाते हुए। इस तरह हम दोनों साइड डिजाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे नॉट लगाकर। अब हम व्हाइट कलर वाले कॉर्ड में डिजाइन बनाएंगे। तो इसे भी हम 16 नॉट लगाकर दोनों साइड पूरा कर लेंगे। इस तरह हम 16 नॉट लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से डिजाइन बना लेंगे व्हाइट कलर वाले मैक्रम में, जैसे हमने ये रेड वाले में डिजाइन बनाया था उस तरह से। अब हम दोनों साइड A4 कॉर्ड धागे को लेकर के नॉट लगा लेंगे। तो 16 नॉट लगाना है जैसे हमने ऊपर में लगाया था। सिर्फ हमें फर्स्ट वाले रेड कॉर्ड में 8 नॉट लगाना है, बाकी के कॉर्ड में 16 नॉट लगाना है।
रेड वाले कॉर्ड को भी हमें इस तरह से डिजाइन बनाना है। ऊपर का डिजाइन बनाया था उस तरह से हमें नीचे का डिजाइन बनाना है। इस तरह हम इस डिजाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने रेड 1, 2, 3 मोती अटैच कर लिया, व्हाइट में 2 मोती। अब हम नीचे में रिंग को ऐड करेंगे। इस तरह हम 4 इंच वाले रिंग को ऐड कर लेंगे। इसमें हम इन सारे कॉर्ड को 2 बार पाइपिंग करके हम इसमें ऐड कर लेंगे। इस तरह हम सारे कॉर्ड को ऐड कर लेंगे। इस तरह हम सारे कॉर्ड को ऐड कर लेंगे रिंग में। अब हम इसमें और कॉर्ड अटैच करेंगे। तो हमने 1 मीटर के 8 व्हाइट एंड 6 रेड कॉर्ड कट कर लिया है। इस तरह हम कॉर्ड को ऐड करेंगे दोनों साइड से। हमें 1 टाइम पाइपिंग कर लेना है। बीच में हम 6 रेड कॉर्ड ऐड करेंगे। इसे भी हमें इसी तरह से ऐड करना है। इस तरह हम सारे कॉर्ड को ऐड कर लेंगे रिंग में। अब हम इस तरफ 4 कॉर्ड को लेकर के इसमें एक मोती ऐड कर लेंगे बीच वाले 2 कॉर्ड में। अब हम इसमें एक नॉट लगा लेंगे। इस तरह हम सारे कॉर्ड में मोती ऐड करके नॉट लगा लेंगे। इस तरह हम सारे कॉर्ड में मोती ऐड कर लेंगे। अब हम नॉट लगाते हुए इस डिजाइन को पूरा कर लेंगे।
इस तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 7 7 नॉट लगाया है। अब हम नीचे में इस तरह से बना लेंगे। हम इसे स्टिक कर लेंगे। अब हम इन सारे कॉर्ड को बराबर कर लेंगे खींच करके। अब हम इन सारे कॉर्ड को कट कर लेंगे। ऊपर के रेड कॉर्ड को हम छोटे साइज में कट करेंगे। नीचे के कॉर्ड हम थोड़े लंबे साइज में कट करेंगे। आप चाहे तो एक ही साइज में सारे कॉर्ड को कट कर सकते हैं। अब हम इसमें बेल्स लगा लेंगे। तो आप चाहे तो एक ही कलर के बेल्स लगाएं या फिर दो कलर का भी लगा सकते हैं। आपको जैसा पसंद हो वैसा लगाएं बेल्स। अब हम ऊपर के रिंग में कॉर्ड को ऐड कर लेंगे। तो 1 मीटर के वाइट कॉर्ड हमने लिया है। अब हम इसमें रिंग में इस तरह से नॉट लगाएंगे। हम नॉट लगाते हुए पूरा कर लेंगे। इस तरह हम पूरे रिंग में नॉट लगाकर पूरा कर लेंगे। अब हम इसे कट करके पीछे की तरफ स्टिक कर लेंगे। इस तरह से हम पूरा डिजाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत ही कम मायके में बनने वाला डिजाइन है। आप इसे जरूर ट्राई करें। अब इसमें हम क्यूब को ऐड करेंगे।